हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि सभी रोमन रेंज के हेड ऑफ द टेबल ट्राइबल चीफ वाले कैरेक्टर को काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं एंड सभी ये वेट करे कि आखिर कब रोमन रेंज के फैमिली का ओरिजिनल हेड ऑफ द टेबल ओरिजिनल ट्राइबल चीफ उनके सामने आएगा, यानी कि द रॉक, और रोमन रेंज को पहले जैसी बनाने की कोशिश करेगा। तो गाइस, हो सकता है ये चीज हमें इस ईयर के सर्वाइवर सीरीज के पेपर व्यू में ही देखने को मिल जाए और मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ अंडरटेकर का रिटर्न कहाँ पर कन्फर्म हो चुका है, इसके अलावा रॉ के बाद हमें क्या कुछ देखने को मिला। तो गाइस, सबसे पहले हम रॉ से जुड़ी चीजों के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो जैसा कि इस वीक का रॉ एक एवरेज शो रहा, बैकी लिंच ने अपनी टाइटल रिटेन कर ली, साथ ही साथ मेन इवेंट में जो भी हमें देखने को मिला केविन ओवेंस सेथ रॉलिंस एंड बिगी के बीच, देखकर लग रहा है शायद से केविन ओवेंस भी WWE चैंपियनशिप पिक्चर में एड होने वाले हैं। सो गाइस, रॉ के बाद जो हमें चीज देखने को मिली वो कुछ और नहीं, वो था एक WWE चैंपियनशिप मैच बिगी वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच। अब गाइस, सुनने में तो ये मैच काफी ज्यादा बड़ा लग रहा है, बट एक्चुअली ये मैच शुरू तो हो जाता है बट बिगी काफी ज्यादा भारी पड़ने लगते हैं सेथ रॉलिंस पर, जिसकी वजह से सेथ रॉलिंस रिंग छोड़कर जाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से ये मैच काउंट आउट में खत्म हो जाता है, यानी कि बिगी ने रिटेन कर ली अपनी WWE चैंपियनशिप। बट इसके बाद भी काफी कुछ बाकी था, क्योंकि सेथ रॉलिंस जब रैंप से बैकस्टेज जा ही रहे थे, देन बिगी उन्हें पकड़कर वापस रिंग में लाते हैं और उन पर अटैक करते हैं और एंड में लगाते हैं बिग एंडिंग, जिसकी वजह से वहां बैठे फैंस खुश हो जाते हैं। तो सही डिसीजन था कि WWE ने सेथ रॉलिंस वर्सेस बिगी का मैच अच्छे से नहीं दिखाया, एंड ऐसा मे बी इसलिए हुआ बिकॉज WWE के ये प्लान हो कि सेथ रॉलिंस बने हमारे नेक्स्ट WWE चैंपियन, एंड इनका मैच हमें सर्वाइवर सीरीज के पेपर व्यू में भी देखने को मिल सकता है, बिकॉज अभी तक WWE ने चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच से रिलेटेड ज्यादा कुछ भी टीज नहीं किया। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात की जाए कि आखिरकार अंडरटेकर का रिटर्न कहां पर कंफर्म हो चुका है। देन गाइस, आप सबको बता दूं कि लगभग एक हफ्ते बाद यानी कि नवंबर 10 को स्टार्ट होने वाला WrestleMania 38 की टिकट सेल, जिसकी वजह से WWE ने एक ऑन सेल पार्टी रखी है AT&T स्टेडियम में, एंड वहां पर बहुत सारे सुपरस्टार्स भी फीचर होने वाले हैं, बट जो सबसे बड़ा नाम है वो आप सब मिडिल में देख सकते हो पोस्टर में, यानी कि दी अंडरटेकर। और यहाँ पर हमें अंडरटेकर अमेरिकन बैडेस वाले आउटफिट में देखने को मिल रहे हैं, तो क्या पता वो इस ऑन सेल पार्टी में भी इसी तरह से आए। तो कह सकते हैं काफी टाइम के बाद अंडरटेकर किसी WWE से रिलेटेड चीजों में अपीयर होने वाले, और यहाँ पर जो भी होता है मैं आप सबको बता दूंगा, इसलिए भाई चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर रखना। तो अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट लास्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ी है द पीपल्स चैंप द ब्रह्मा बुल द रॉक से। अब जैसा कि आप सब जानते ही, रोमन रेंस अभी WWE के सबसे बड़े स्टार है और रॉक के बारे में बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, वो हॉलीवुड के कितने ज्यादा बड़े स्टार है। तो गाइस, आप सब सोच सकते हो अगर रोमन रेंस एंड दी रॉक आमने सामने आते हैं तो ये मैच एक ड्रीम मैच तो होने वाला दोनों कजन्स के बीच, बट इससे WWE को कितना ज्यादा फायदा होगा, इससे इस मैच के लिए हाइप कितनी ज्यादा क्रिएट होगी, जिसकी वजह से WWE को प्लान तो थे कि WrestleMania 37 में ये मैच को करवाया जाए, बट ऑडियंस ज्यादा नहीं आ पाते इसलिए WWE ने इस मैच को आगे के लिए बचा कर रखा है, और WWE इसे नेक्स्ट WrestleMania में भी करवाने के बारे में नहीं सोच रही, बल्कि सोच रही है उसके बाद वाले WrestleMania यानी कि WrestleMania 39 में, बिकॉज वो होने वाला है हॉलीवुड थीम वाला, एंड अगर ये मैच वहां पर होता है तो ये WrestleMania सबसे हिट WrestleMania साबित होने वाली है। लेकिन गाइस, हो सकता है कि ये मैच हमें बनते हुए दिखे, इसके हिंट हमें इस ईयर से ही देखने को मिल जाए, बिकॉज आप सबको बता दूं लगभग 25 साल पहले रॉक ने अपना डेब्यू किया था WWE में सर्वाइवर सीरीज के पेपर व्यू में। तो WWE इस मंथ को द रॉक मंथ के नाम से सेलिब्रेट करी, जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख ही सकते हो, और लगभग 3-4 महीने पहले ऐसी अपडेट्स निकल कर आए थे कि WWE ये प्लान करी कि सर्वाइवर सीरीज में अपना रॉक एक अपीयरेंस करे, और कह सकते हैं अगर WWE की स्टिल वही प्लान है तो हो सकता है इस ईयर के सर्वाइवर सीरीज में हमें रॉक की अपीयरेंस देखने को मिल जाए, एंड अगर वो आते हैं तो दोनों चीजों में से कोई एक चीज करेंगे। सबसे पहली वो अपना सिंपली 25 ईयर सेलिब्रेट करेंगे बाकी सुपरस्टार्स एंड लेजेंड्स के साथ, एंड वहां से वो चले जाएंगे। एंड जो दूसरी चीज हो सकती है, जो कि हम देखना चाहते हैं, कि रोमन रेंस उसमें कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस करे और रॉक एंड रोमन का मैच टीज हो जाए। एंड भाई, ये भी देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि अगर रॉक वापस आते हैं तो उसोस किसके साइड में रहते हैं, अपने भाई रोमन रेंस के साइड में या फिर अपने भाई दी रॉक के साइड में। इसलिए लेट्स सी कि क्या दी रॉक इस ईयर के सर्वाइवर सीरीज में आते हैं या फिर नहीं, एंड अगर वो आते हैं देन उनका वहां पर क्या कुछ रोल होता है। लेकिन आप सब मुझे ये कॉमेंट कर जरूर से बताना कि आपको क्या लगता है, जब ये एक मेगा मैच हमें देखने को मिलेगा देन वहां पर इस मैच में हमें किसके जीत होते हुए दिखने वाली है, द रॉक की या फिर रोमन रेंस की। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।